ये बच्ची अभी सोनपुर मेले में इस रस्सी पर यानी रोप पर चल रही थी और करतब दिखा रही थी अपना। इसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रेम हाँ प्रेम प्रेम। कहाँ घर हुआ? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर घर हुआ। बैठ जाओ। तो यहाँ तो सोनपुर बिहार आ गई। कितना दिन लगा सीखने में? 8 साल। 8 साल। अभी कितनी उम्र? अच्छा, इसके परिवार हैं ये, क्या नाम हुआ आपका? ये तो नहीं बोल पाती है उतना। मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, ये बच्ची का कितना उम्र है? 8 साल है। 8 साल। तो इस पर रस्सी पर बच्ची को आप चलाते हैं? चलाते नहीं भैया, वो तो करना पड़ता है ना, अपने अपनी सब कमानी हो हा? अपना सब काम करना पड़ता है, अपना धंधा पानी कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। धंधा आप कर सकते थे। कौन है आपकी बच्ची? मेरी भतीजी। इनके पिताजी कहाँ? डेरे पे है। डेरा पे रहते हैं। साथ में रहते हैं, रूम लिए यहाँ। तो आप कमाते, इसके पिताजी कमाते और इसका भाई होता बड़ा, वो कमाता। तो बच्ची को रस्सी चला रहे हैं, रिस्क लेके। तो क्या करेंगे भैया? कहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ घर? खरसिया तरफ। हाँ खरसिया। खरसिया आप लोग आदिवासी समाज से? आदिवासी नहीं। तो नट हम लोग। नट हैं, एससी हैं। हाँ एससी। और आप लोग इस तरह से चलते हैं, कहाँ कहाँ चल जाते हैं आप? सभी तरफ घूमते हैं हम लोग। तो कहाँ कहाँ? बिहार में। हाँ बिहार में सभी जिला में घूमते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ गए? सभी तरफ। अब तो पता समझ, मैक्सिमम बिहार में। हाँ बिहार में रहते। कितना ही कमाई उमाई हो जाती है? कमाई में तो कभी भी 500 भी नहीं होता, कभी 1000 रुपये हो जाता है, इसे होता है। बच्ची बिना मम्मी के यहाँ रहती है? बिना मम्मी के रहते हैं, टेंट में रहते हैं हम लोग। कहाँ रहते हैं? में रहते हैं, टेंट में रहते हैं। टेंट में? टेंट 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 में। हाँ टेंट। इसकी मम्मी है यहाँ? नहीं है। तो फिर एक महीना का सोनपुर मेला है, एक महीना यहाँ पर है ना। हाँ। उसकी मम्मी है। मम्मी आई है? हाँ इसकी मम्मी आई टेंट में है। अच्छा छत्तीसगढ़ से आई है मम्मी? पूरे परिवार में रहते हम लोग, साथ रहते। बच्ची है। मम्मी बेटा कहाँ? मम्मी मम्मी कहाँ? मम्मी मम्मी घर में। घर में? छत्तीसगढ़ में है। यही है? अच्छा ठीक है, बात सही बोले आप। चलिए तो ठीक है। अच्छा क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ कह रहे थे कि बच्ची से करवाते हैं काम, कितना लगा समय इसको सीखने में? 8 साल की उम्र है। 2-3 साल लगा। 3 साल यानी 5 साल की उम्र में बच्ची को रस्सी पे चढ़ा दिया। यस। और इससे पहले कौन काम करते थे? बच्ची आपके घर में पैदा नहीं हुई थी तो? मेरी मम्मी काम करती थी पहले, मैं भी काम किया हूँ इस पे। इस पे आप चले हैं? हाँ चला हूँ। आप क्या बोल रही थी? आपका क्या नाम हुआ? आरती। आरती जी क्या बोल रही थी? हम बोल रहे हैं हमारे दादा पुरखा से यही काम चल रहा है। यही काम कर। बच्ची आपकी कौन? भाई की बेटी, मतलब भतीजी या जेठानी की या देवरानी की बेटी? हाँ। आप भी चले हैं? हाँ चले हैं। हाँ? कितने उम्र तक आप लोग इस पे चल? कम से कम 10 साल। पढ़ाई लिखाई आप किए? हाँ थोड़ा बहुत किए हैं, थोड़ा बहुत नहीं किए हैं। बच्ची तो नहीं पढ़ती होगी? अब पढ़ाएंगे उसको भी, अब मेला खत्म हो जाएगा तो घर जाएंगे तो वो पढ़ेगी। अभी तक नहीं पढ़ा रहे? अभी अभी क्या पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे। इसके बाद कहाँ मेला में जाना है? अब यहाँ सब घर जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। आप एक कलाकार हैं, हम कलाकार मानते हैं। आपका परिवार पूरा अगर ये काम करता है, आप भी रस्सी पे चले होंगे बचपन में, तो आप भी कलाकार हैं। तो ये कलाकारी यहीं तक सीमित रह जाती है? आपका ये बैलेंस जो जिस तरह से चलते हैं, रिस्क लेते हैं, हर आदमी के बस की बात नहीं है कि इस पे चल दे, हम नहीं चल पाएंगे, आप चल पाते हैं। इसमें आप कलाकार हैं, हमसे आगे हैं, हम कुछ नहीं इसमें। तो ये कलाकारी खानदानी है आपकी? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की वजह से ये काम कर रहे हैं। तो जब तक पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम तब तक होते रहेगा जब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ाएगा? तो पढ़ा तो रहे भैया, हम लोग भाई बंधु सब पढ़ रहे हैं हम लोग। बच्ची तो नहीं पढ़ा? वो पढ़ेगी ना, वो भी पढ़ेगी, अभी जाएगी तो पढ़ेगी वो। अब जाएगी 8 साल के बाद? हाँ तो तब बेसिक अभी सीख रही है वो। हाँ। बेसिक खुद पढ़ा रहा हूँ मैं, खुद पढ़ा हूँ मैं। अच्छा अब आपकी क्या लाचारी है, क्या बेबसी है कि ये काम? गरीबी है भैया। हाँ। वही तो है, और क्या है। पढ़ाई कर पाए? हाँ 12th किया हूँ। 12th किए हैं तो बच्चों को पढ़ाएगा जरूर? पढ़ाऊंगा जरूर। ये कोशिश आप करेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी इस तरह से नहीं करे। अगर अगर आप में कलाकारी है, आप तो एथलीट हैं एक तरह से, तो आप ओलंपिक में जाइएगा, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। वो तो है। क्या करना चाहते हैं? बच्ची तो बोलती नहीं है अभी, उतना समझ नहीं है उसकी, मतलब चाहते इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं या दूसरा काम? आगे नहीं भैया, दूसरा काम करना है वो लोग।
दूसरा एक काम छोड़ देंगे और दूसरा काम करेंगे। क्या करिएगा? बाद कुछ साल बाद कुछ हो जाएगा हम लोग का भी, तो दूसरा काम करेंगे हम लोग, कुछ बिजनेस करेंगे, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। हम लोग को भी जिंदगी भर काम नहीं करना, हम लोग को भी शौक नहीं लगता है काम करने का। नहीं समझ रहा हूं, दुख होता है क्योंकि अब बताइए ठंडा में यहाँ जैसे तो है, आपको भी बुरा नहीं लगता कि अपनी भतीजी है? तो है, बुरा तो लगता है। यानी घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, अब 5 साल की उम्र में होता है, उसको रस्सी पे चढ़ा देते हैं? नहीं, 5 साल के नहीं होते भैया, वो थोड़ा समझदार हो जाए फिर पढ़ाते हैं उसे, फूल चढ़ाते हैं। हर इंसान बच्चा, हर बच्चा वो कला नहीं दिखा सकता, ये भी हम मानते हैं। तो कलाकार है तो कोई कोई बच्चा दिखा सकता है। आपके घर में जितने बच्चे होते हैं सब ये कलाकारी करते हैं? हाँ, सभी करते हैं। सबको सिखाते हैं? सब नहीं, उतने बच्चे ही नहीं उतने हम लोग का, जितने ही बच्चे हैं सबको यही कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही। का मतलब क्या हो है, जिसके घर में अगरबत्ती बनता है बाले बच्चे सब लोग बनाते हैं, वैसे हम बोल रहे हैं कि आपके भी बच्चे होंगे तो उसको भी रस्सी चढ़ाइएगा। अब कहाँ चढ़ाएंगे, अब बंद होगा और क्या। बंद करिए, करना है इस तरह से तो कोई ओलंपिक में जाइए, इस तरह की तैयारी करिए। और उस तरह की कहाँ, छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सरकार जो आप लोग को मदद करे उस तरह, इस प्रतिभा को उच्च स्तर पर लेके जाना। पढ़ाई के समय हम एक फोटो भी खींचे थे, नवादा के में फोटो खींचे थे कि यहाँ पर रस्सी पर बच्ची चल रही थी और बगल में स्कूल बस में बच्चे पढ़ने जा रहे थे, तो एक बच्ची रस्सी पे थी और बाकी बच्चे स्कूल में बस में स्कूल पढ़ने जा रहे थे। तो पढ़ाइए उसको, है ना। और आप लोग हट्टे कट्टे हैं, बढ़िया हैं, शरीर अच्छा है, पढ़े लिखे 12 किए हुए हैं, आप अच्छा कमा सकते हैं, समझे। तो दूसरा काम भी आप लोग करिए, ये बच्ची से करवाते हैं, ये दुख है इस बात का। ठीक है, और कुछ कहना कह दीजिए? और कुछ नहीं कहना, दुश्मन नहीं है आपके, हम चाहते हैं आपका भविष्य बेहतर हो। तो बोल चुके हैं सर आप, और क्या बोलना मुझे। ठीक है, अच्छा नाम क्या आपका बताएं? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार, बच्ची का प्रिया क्या? हाँ, बोली प्रियंका। प्रियंका नाम है, ठीक है। तो ये लोग सोनपुर मेला में इस तरह से रस्सी पे चल रहे हैं और इनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम हो रहा है। ये काम आगे होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? अगर ये काम कला के तौर पर हो तो होना चाहिए, है ना, खेल के तौर पर होना चाहिए, लेकिन बेबसी में मजबूरी में रस्सी पे चले बच्चा तो नहीं होना चाहिए। तो मजबूरी में थोड़ी कोई भी इंसान बच्चे को मजबूरी से चला नहीं सकते, वो तो अपने मर्जी से चल रही है, ठीक है ना। तू जब जबरदस्ती कर सकते हैं बच्चे को, जबरदस्ती करेगा बच्चा को जो सिखाएगा वही अपने मन से ही चल रही है, ठीक है। अब बच्चे को जबरदस्ती नहीं करता। आप लोग बोले बच्चे को चलना चाहिए? जी नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है। लिखा होना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना चाहिए, आप बताओ। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इन लोग का भी कहना पढ़ना चाहिए। तो दिखाइए बच्ची को, छोटी सी बच्ची है और ये अपने इतना छोटा शरीर है और इसके शरीर पे अपने पूरे परिवार को चलाने का बोझ है और ये बोझ इस रस्सी पर है। इनके घर के बच्चे इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी रस्सी पे चलते हैं रोजी रोटी के लिए। आपका क्या कहना है इस पर बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देखें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देखें, सब्सक्राइब नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।